सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कानपुर देहात से ब्लॉक संदलपुर में अभी तक लगते रहे बड़े बड़े गंभीर आरोप, लेकिन उसी बीच पंचायत सहायक भर्ती में भी एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीआई में मिले दस्तावेजों से हुआ बड़ा खुलासा। पंचायत सहायक की भर्ती के लिए किए गए घोटाले का हुआ बड़ा खुलासा। फर्जी अभिलेख तैयार करवा कर रहा पंचायत सहायक नौकरी। सिकंदरा तहसील में कार्यरत लेखपाल के द्वारा जारी किए गैर प्रांतीय व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज। बड़ा खुलासा। गैर प्रांतीय फर्जी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर रहा पंचायत सहायक की नौकरी। ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान ने चयनकर्ता अधिकारियों से साठ काट कर फर्जी कागजों के आधार पर करवाए चयन। ब्लॉक संदरपुर के चयनकर्ता अधिकारियों पर भी लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप। गैर प्रांतीय दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से किया गया पंचायत सहायक का चयन। अभी तक पंचायत सहायक वेतन के रूप में उठा चुका है लाखों रुपए। नटवरलाल पंचायत सहायक ने पद पर चयन होने के बाद नल मिस्त्री बनकर भी मोटी रकम ट्रांसफर करवाई अपने खाते में। खबर सूत्रों से जांच के दायरे में ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान भी एवं लेखपाल फर्जी अभिलेख तैयार करने के चक्कर में अपने बचाव के लिए अधिकारियों के लगा रहे चक्कर, तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान अधिकारियों से लगे हैं सेटिंग बनाने में। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी क्या करते हैं या फिर संबंधित लोगों को भेजा जाएगा। जी पूरा मामला ब्लॉक सुंदरपुर की पंचायत रराव का है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से भानु प्रताप की खास रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है जी। मैं ब्लॉक संदलपुर की ग्राम पंचायत रॉक की मूल निवासी हूँ जी। क्या समस्या बेटा आपकी? मेरी बड़ी बहन कामनी देवी का चयन ग्राम पंचायत सहायक में हुआ था और अधिकारियों के द्वारा मोटी रकम मांगी गई जो हम लोग नहीं दे पाए जी। वहीं मध्य प्रदेश के लड़के शिवम पाल के फर्जी कागज अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए और उससे मोटी रकम लेकर उसका चयन कर दिया गया जी। तो आपको ये जानकारी कहाँ से हुई, कैसे पता चला कि उसके एमपी के कागज हैं? आरटीआई के माध्यम से कागज। अच्छा। आरटीआई के माध्यम से जो कागज मिले हैं उसी से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। अच्छा तो अब आप क्या करोगे? अधिकारियों से हमारा विश्वास उठ चुका है, अब माननीय न्यायालय की चौकट पर जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। मैं बिलास संदलपुर की ग्राम पंचायत रॉक की मूल निवासी हूँ जी। मेरी बड़ी बहन कामनी देवी का चयन ग्राम पंचायत सहायक में हुआ था जी। अधिकारियों द्वारा मोटी रकम मांगी गई जो हम लोग नहीं दे पाए जी। वही मध्य प्रदेश के लड़के स्वयं पाल के फर्जी कागज अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए और उससे मोटी रकम लेकर उसका चयन कर दिया गया जी। फिर अब आप क्या चाहते हो? अधिकारियों से हमारा विश्वास उठ चुका है, अब हम माननीय न्यायालय की चौकट पर जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। आरटीआई के माध्यम से हमको जो कागज मिले हैं तब जाके भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है जी। तो इसमें क्या कागज एमपी के लगे हुए हैं जी? इसमें अच्छा, सभी मध्य प्रदेश के कागजात हैं। अच्छा जो आरटीआई के माध्यम से आपको कागज मिले हैं जरा दिखाओ इसमें। ये देखो